भोपाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों को दर्शाती चित्र प्रदर्शनी मोदी एट द रेट 20 का आयोजन किया जा रहा है। इसमें प्रधानमंत्री मोदी के जीवन पर आधारित कई आर्ट वर्क प्रदर्शित किए जाएंगे। इसमें मुख्य रूप से धारा 370, राम मंदिर, वंदे भारत आदि जैसे विषयों को कला के माध्यम से दर्शाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजनीतिक जीवन पर केंद्रित आर्ट एग्जीबिशन भोपाल में लगने जा रही है। मोदी एट 20 नाम से लगने जा रही इस प्रदर्शनी में प्रधानमंत्री मोदी का व्यक्तित्व और कृतित्व को दर्शाया जाएगा। इस प्रदर्शनी में प्रधानमंत्री मोदी के कार्यों को देश भर के नामी गिरामी कलाकारों की नजर से दिखाया जाएगा। प्रदर्शनी में शामिल होने चुनिंदा आर्टिस्ट भोपाल पहुंच रहे हैं, जो प्रधानमंत्री मोदी से जुड़ी कलाकृतियां लाइव भी बनाएंगे। आर्ट प्रदर्शनी भोपाल के रविंद्र भवन में 21 अप्रैल से शुरू होकर 23 अप्रैल तक चलेगी। प्रदर्शनी का आयोजन सुभद्रा आर्ट गैलरी के द्वारा किया जा रहा है। 21, 22, 23 अप्रैल को मोदी जी के जीवन और उनकी उपलब्धियों को लेकर, उनके 20 साल के कार्यकाल को लेकर एक पेंटिंग्स की प्रदर्शनी का आयोजन रविंद्र भवन में किया गया है, जिसका की उद्घाटन महामहिम राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल द्वारा शाम 4 बजे रविंद्र भवन में किया जाना है। इन पेंटिंग्स के माध्यम से हमने मोदी जी के जीवन और उनकी उपलब्धियों को बताने का प्रयास किया है। मैं डॉक्टर एलिन मालविया, चेयरमैन ऑर्गेनाइजिंग कमेटी सुभद्रा आर्ट गैलरी भोपाल, रजिस्टर्ड उड़ीसा, और मैं उम्मीद करूंगा कि 21, 22, 23 अप्रैल को आप सभी वहां पर आए और मोदी जी के जीवन को लेकर जो हमारे कलाकारों ने अपनी दिलो जान लगाकर उसको चित्र के माध्यम से प्रदर्शित करने का प्रयास किया है, उसको देखें और कलाकृति को समझकर देखें कि कलाकृति के माध्यम से कैसे किसके जीवन को हम उल्लेख करते हैं और एकदम चलित जीवन दिखाते हैं, आपको लगेगा कि कोई लाइव कार्यक्रम हो रहा है। प्रदर्शनी के बारे में जानकारी देते हुए सुभद्रा आर्ट गैलरी के चेयरमैन एलन मालविया ने बताया कि पीएम मोदी के राजनीतिक सफर के 20 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में ये प्रदर्शनी आयोजित की जा रही है। इसमें भारत के 50 प्रसिद्ध युवा कलाकारों ने 200 कलाकृतियां बनाई हैं। इसके साथ ही 50 कलाकार लाइव कलाकृति बनाएंगे। नहीं, मैंने इसको, हम लोगों ने इसको कोई राजनीतिक इससे नहीं लिया है। ये G20 आपने सुना होगा, वैसे तो मोदी जी के कार्यकाल को 23 साल हो रहे, लेकिन हमने 20 जो लिया वो G20 को देखते हुए लिया है और इसका राजनीति से कहीं कोई संबंध नहीं है। क्योंकि मध्य प्रदेश चुनाव है तो आपको लग रहा होगा, लेकिन इसका किसी भी नेता को हमने नहीं बुलाया इसमें, हमने उद्घाटन के लिए महामहिम राज्यपाल जी को बुलाया है। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निःशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रुपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।